तो जब मैं ऐसे इंस्टाग्राम का यूज कर रहा था ना, तो मैंने अपने एक अकाउंट में बहुत टाइम से लॉगिन नहीं करा था, तो मैं सोच रहा था मैं उसमें लॉगिन करके देखता हूँ। तो ये मैंने यहाँ पे होल्ड करके रखा, मैंने इस पर टैप करा। अब मैं जैसे इस पर टैप कर रहा हूँ ना, तो मेरे को लिखा हुआ आ रहा है सॉरी वी कुडंट लॉग यू इन, और नीचे आ रहा है ओके। पर क्यों भाई ऐसा क्यों लिखा हुआ आ रहा है? तो ऐसे सिर्फ मेरे को नहीं, ऐसा आपको भी लिखा हुआ आ रहा होगा। आगे मैं चल रहा हूँ कि भाई मैं लॉगिन क्यों नहीं कर पा रहा, और ये मेरे को लॉगिन क्यों नहीं करने दे रहे। तो आपके मन में जितने भी डाउट्स आ रहे हैं ना, सब कुछ को मैं आज के वीडियो में क्लियर कर देने वाला हूँ। बस सबको क्या करना है, मतलब वीडियो में एंड तक बने रहना। तो मेरे को नाइट मोड अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने उसे हटा दिया। तो पहले देखो भाई, सबसे पहले आपको ना क्या करना है, कुछ मत करो, आपको सिंपली इस अकाउंट को रिमूव कर देना है। अब आप देखोगे ना, अगर आप बार बार ऐसा करोगे ना जैसे कि मैंने करा, तो आपको जो अकाउंट है ना वो वहाँ से रिमूव ही हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो कि मेरा जो अकाउंट है ना अब तो यहाँ से ही गायब हो चुका है। अगर बार बार करोगे तो रिमूव हो जाता है। तो आपको ना क्या करना है, फिर से होल्ड करके रखो, यहाँ पे ऐड इंस्टाग्राम अकाउंट पे टैप करो, और यहाँ पे ना आपको अपना यूज़र नेम लिख देना है। पर हो सकता है कि आप अपना यूज़र नेम भी भूल गए। तो पहले अपना यूज़र नेम का चेक कर लो क्या यूज़र नेम है। तो मैंने अपना यूज़र नेम यहाँ पे देख लिया क्या है। अब यूज़र नेम देखने के बाद कुछ नहीं करना, फिर से आ जाओ वहीं पे और यहाँ पे अपने यूज़र नेम को लिख दो। जैसे कि मैं टाइप कर देता हूँ, यूज़र नेम लिखने के बाद पासवर्ड को टाइप कर दो। पासवर्ड भूल गए तो फॉरगॉटन पासवर्ड पे टाइप कर देना, फिर सिंपली लॉगिन पे क्लिक कर दो। अब आप देख सकते कि भाई मैंने दोबारा अपने अकाउंट में लॉगिन कर लिया। अब क्या आ रहा है, सेव योर लॉगिन इनपो। तो आपको कुछ नहीं करना, एक बार अपनी लॉगिन इनपो को सेव करके रख लो। कभी कभी आप पासवर्ड वगैरह भूल जाते हो ना, आपको परेशानी नहीं आएगी, बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। तो सेव पे क्लिक करोगे तो ईजिली कभी भी लॉगिन कर सकते हो। देख सकते हो मेरा जो अकाउंट है वो लॉगिन हो चुका। तो भाई ये बताओ कि मेरे को ऐसा लिखा क्यों आ रहा था? तो देखो भाई, ऐसा होता है कि आप बहुत टाइम तक अपने अकाउंट में लॉगिन वगैरह नहीं करते हो ना, तो आपको सेम प्रॉब्लम आ सकती है। बाकी और कोई आपने अकाउंट में कोई दिक्कत नहीं थी, अगर आप किसी भी अकाउंट में बहुत टाइम तक लॉगिन नहीं करोगे तो आपको सेम प्रॉब्लम आएगी। बाकी ये बस आपको कुछ नहीं करना, फिर से जब आप अपने आईडी पासवर्ड को डालोगे ना, फिर से आप इजीली लॉगिन कर पाओगे। अब और भी रीज़न हो सकते हैं जिस चक्कर में आप लॉगिन नहीं कर पा रहे। एक रीज़न तो ये होता है कि अगर आपने अपने अकाउंट को डिलीट कर दिया ना, तो आपके 10-15 दिन रहते हैं, तब तक आप चाहे तो उसे दोबारा रिकवर कर सकते हो। पर उसके बाद करोगे ना, तो आप कभी लॉगिन कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि वो जो अकाउंट है हमेशा के डिलीट हो चुका होगा। और बाकी फिर भी आप लॉगिन ना कर पा रहे हो ना, तो परेशान मत होना, अपने एक बार पासवर्ड को चेंज कर लेना। आपको मेल आ जाएगा, मेल पे लिंक आएगी, लिंक पे इजीली आप पासवर्ड को चेंज कर पाओगे। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो भाई कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, वरना फिर आपको इंस्टाग्राम में DM भी कर सकते हो। आप सभी को मेरी प्रोफाइल शो हो रहेगी। सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो।